छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को पत्रकारों से चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे समेत बीजेपी पर तंज कसा है। इसके साथ ही सीएम बघेल ने राहुल गांधी को सड़क मार्ग से बिलासपुर पहुंचने की सलाह दी है। वहीं सीएम ने NFHS रिपोर्ट ODF प्लस को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। आइए सुनते हैं सीएम ने और क्या कुछ कहा है। उनका भी उद्बोधन हुआ और मुख्य रूप से बात, पहले तो बात यह है कि यहाँ फिजियोथेरेपी की काउंसिल ही नहीं बनी थी और वो बना। अब मेंबर की नियुक्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। उसके साथ साथ कुछ मांगे हैं, उसे भी हम लोग जल्दी निदान करने की कोशिश करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में और जिस प्रकार की जीवन शैली, खासकर शहरी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि दिमागी काम ज़्यादा होता है और ऑफिस में बैठने का काम ज़्यादा होता है, तो एक पोजीशन में बैठने के कारण से शरीर में बहुत सारी तकलीफें आती है। ऐसे में फिजियोथेरेपी एक महत्वपूर्ण चिकित्सा है जिसका लाभ बिना साइड इफेक्ट के लाभ उठाया जा सकता है। खेल के क्षेत्र में तो निश्चित रूप से फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, हाथ या पैर फ्रैक्चर हो जाए, तो इलाज के बाद फिजियोथेरेपी ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यदि इस प्रकार से कुछ शारीरिक यदि तकलीफें हैं तो फिजियोथेरेपी का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को लाभ लेना चाहिए। और आज हमारे पास ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिन्होंने डिग्री हासिल की, जो ग्रेजुएशन भी किए,